गाइस माय नेम इज उपासना एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस टुडेज वीडियोस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दोज यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी न्यू स्टार्ट किया है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं बट उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा या उनके चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, तो व्हाट इज द रीजन अबाउट दैट एंड द मेन थिंग इज दैट व्हाट इज कॉपीराइट क्यों आता है, कैसे आता है और कब आता है। सो गाइज टूडेज टॉपिक इज कॉपीराइट फॉर दोज हु आर जस्ट मेकिंग देयर वीडियोज ऑन यूट्यूब और जिनका चैनल है यूट्यूब पर। सो गाइज द हेयर इज वन क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज दैट थिंग कि अगर आप किसी का भी म्यूजिक यूज कर रहे हैं अपने वीडियो में, सपोज इफ आई एम मेकिंग वीडियो और मैंने बैकग्राउंड में किसी और का सॉन्ग लगा दिया, ठीक है, या मैंने किसी मूवी का सॉन्ग लगा दिया या किसी का सूफी सॉन्ग, एनी टाइप ऑफ सॉन्ग मैंने अपने बैकग्राउंड में लगा दिया, तो उस पे आ जाएगा कॉपीराइट। ठीक है, आप जब वहां पर अपलोड करेंगे अपना वीडियो यूट्यूब पर तो आपके वहां पर सामने लिखा आ जाएगा कॉपीराइट। एंड अगर आप पूछे ये कॉपीराइट आपके चैनल के लिए मतलब अच्छा है या बुरा, तो गाइस कॉपीराइट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर यूट्यूब चैनल अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। सो गाइस अपने चैनल को इस कॉपीराइट से जरूर बचाइए, ये आपके चैनल के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक डालना है तो आप ट्यूनिंग डालिए जो कि आपके एप्स में ऑलरेडी डाउनलोड होती है, और अगर आपको अपने एप्स जिससे आप वीडियो बना रहे हो उसमें म्यूजिक नहीं है या कोई भी टोन नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं नो कॉपीराइट म्यूजिक या नो कॉपीराइट ट्यून बैकग्राउंड, तो उसमें काफी सारी ट्यून और म्यूजिक निकल आएगी जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियोज के बैकग्राउंड में। अच्छा, अब ऐसा होता है कि मतलब कॉपीराइट आता क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों आता है अगर आप बैकग्राउंड में किसी का भी म्यूजिक यूज करते हैं। ओके, व्हाई कॉपीराइट इज नॉट गुड फॉर योर चैनल। आपके चैनल के लिए कॉपीराइट अच्छा इसीलिए नहीं है अगर आपके चैनल में लगातार कॉपीराइट आता रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल मोनिटराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, वो मोनिटराइज नहीं होगा चैनल। मतलब अगर आपने 1000 व्यूज मतलब अपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी कर लिए, 4000 आपके व्यूज भी हो गए, उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटराइज हो गया तो अगर कॉपीराइट उस पे हुआ किसी भी वीडियोस पे तो आपका चैनल मोनेटराइज नहीं होगा। सो गाइज कॉपीराइट इज नॉट अ गुड थिंग, और मतलब अगर आप उसके बाद भी अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और उस पे लिखा आ रहा है कॉपीराइट, तब तक तो ठीक है जब तक कॉपीराइट लिखा रहे, लेकिन गाइस बी केयरफुल हेयर, अगर उस पर स्ट्राइक लिखा आ गया कॉपीराइट स्ट्राइक, अगर 3 बार आपके कॉपीराइट या 3 बार आपके वीडियोस पर स्ट्राइक लिखा आ गया तो इट मीन्स आपका चैनल पे बहुत ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, यूट्यूब आपका चैनल बंद कर देगा, क्योंकि स्ट्राइक तब आते हैं जब कॉपीराइट वाले म्यूजिक ओनर को पता चलता है कि आपने उसका म्यूजिक यूज करा है और आपकी वीडियो बहुत ज्यादा मतलब मिलियनर में लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो पॉपुलर हो रही है उसके सॉन्ग से, और उसके ओनर को पता चलता है कि आपने इसका सॉन्ग डाल के अपनी वीडियो को इतना पॉपुलर करा है, तो आपके वीडियो पर वो ओनर स्ट्राइक दे देगा। इन केस इफ यू डोंट वॉन्ट स्ट्राइक ऑन योर वीडियो और अपने कॉपीराइट नहीं चाहते अपने वीडियो पे, तो आपको या तो मतलब एक यूट्यूब लाइसेंस है वहाँ वो जाके लेना होगा और अपने ओनर मतलब जो भी इसका यूट्यूब लाइसेंस का जो एक फंडा होता है उसको लेटर में रिटर्न में लिखवाना होता है कि वी आर यूजिंग योर म्यूजिक तो आप हमें अलाउ करिए। ओके, किसी के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मतलब काफ़ी लोगों के बड़े चैनल्स होते हैं जो जिनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, 1 मिलियन से ऊपर होते हैं, एंड इफ दे आर यूजिंग देयर सॉन्ग तो उनको ओनर कभी कुछ कॉपीराइट क्यों नहीं देता। देयर इज अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि उनको इसलिए नहीं देता क्योंकि उनका चैनल तो ऑलरेडी ग्रो है, ठीक है, उनका चैनल ऑलरेडी ग्रो है और ऑलरेडी उनके चैनल पे बहुत मिलियनर सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, तो इससे किस चीज़ का फायदा हो रहा है, उस ओनर का फायदा हो रहा है क्योंकि उसका सॉन्ग जो है पॉपुलर हो रहा है उसके चैनल की वजह से। लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर जैसे हम लोग के मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है और अगर हम उनका सॉन्ग यूज करें तो ऑफकोर्स हमारे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। ओके गाइस कभी कभार अगर कॉपीराइट लिखा आ गया
तो एक चीज है, जब तक स्ट्राइक आ रहा है तो दैट्स अ बैड थिंग, लेकिन अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट लिखा है सिर्फ, तो तब तक नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं आ रहा, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचे कि आपका चैनल मोनेटराइज हो गया या 4,000 व्यूज आपके पूरे हो गए या 1,000 आपके सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपका इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, तो आपको उसका अमाउंट मिले, नो गाइस, इसका कोई अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसका अमाउंट पूरा जाएगा उस ओनर के पास जिसका ये आप बैकग्राउंड में सॉन्ग या टोन यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग हियर, कि अगर जिसका आप कॉपीराइट अगर लिखा है आपके वीडियो पे और उस स्ट्राइक नहीं आया है लेकिन कॉपीराइट लिखा है, तो उसको प्रॉफिट जाएगा, क्रेडिट उसको जाएगा जिसका ये सॉन्ग और जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। गाइस कोशिश यही करिएगा कि आप अपने जो वीडियो बनाए या कुछ भी बनाए उसमें कॉपीराइट ना लिखाए, किसी के सॉन्ग्स वगैरह ना यूज करे। हाँ, अगर आप डांसर हैं और अपना मतलब डांस करते हैं और आप उसके वीडियोस बना रहे हैं, तो आप या तो आप लाइसेंस लीजिए यूट्यूब के थ्रू, या मतलब पूरा प्रोसेस होता है उसका भी लाइसेंस लेने का एंड लिखित में होता है, आप उसके थ्रू भी उस सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको मतलब अगर आप यू आर मेकिंग वीडियो एंड यू डोंट वॉन्ट एनी प्रॉफिट विद दैट वीडियो, तो भी आप मतलब नॉर्मली आप वीडियोज बना सकते हैं, बट बी केयरफुल, स्ट्राइक नहीं आना चाहिए आपके वीडियो पे गाइज। हाँ ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब यूट्यूब हमारा चैनल मोनिटराइज कब होता है गाइज? चैनल मोनिटराइज तब होता है जब आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, ठीक है, 1,000 सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम होने, उससे कम हुआ तो नहीं होगा। दूसरे दिन आपके 4,000 वॉच आवर्स होने चाहिए, 4,000 मतलब लोग पूरे आपकी वीडियोस को इतना देखे तब जाके आपके 4,000 वॉच आवर्स होंगे। दैट इज नॉट सो मच इजी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत लोग यूट्यूब में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोज बनाना, फिर उसे एडिट करना एंड फिर उसको डालना। दैट इज रियली अ टफ पार्ट ऑफ द यूट्यूब। एंड सबको लगता है कि यार इसको कितना ज्यादा अर्निंग हो रही होगी यूट्यूब से, यार इतने सारे इसके वीडियोज आ रहे हैं। नो गाइस, देर इज नो अर्निंग अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है और 4,000 वॉच आवर्स नहीं है। तो गाइस इफ यू आर मेकिंग एनी वीडियो, अगर आप यूट्यूबर हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी 1,000 सब्सक्राइबर्स साथ में 4,000 वॉच आवर्स होने चाहिए लीगली, ठीक है, लोग आपके वीडियोस को देखें। सो हियर इज द थिंग अबाउट द यूट्यूब, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी थिंग रिलेटेड टू यूट्यूब, तो प्लीज आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। एंड जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत ही जल्दी आऊंगी। सो गाइज स्टे ट्यून विद मी एंड बी सेफ, एज कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है बाहर, डोंट गो एनी वेयर एंड बाय बाय। Have a good day. Bye-bye.